तो गाइज अभी मैंने फोन मंगाया था, वो था Redmi Note 11s और अभी Flipkart में जो डब्बा है वो देखिए गाइस ऐसा है। ये देखो क्या चीज, ये Redmi 10 है। तो मॉडल नंबर लिखा हुआ है। हाँ तो भाई क्या बोलना चाहेंगे आप, बहुत बेकार सर्विस, वर्स्ट एक्सपीरियंस है। अगर मतलब लोग बाग इतनी मुश्किल से मंगाते हैं फोन को और उसके बाद में भी ये ऐसे ही फुल ले लिया, पूरा पैसे भी पूरे ले लिए, पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया मेरे, इसमें से पैसे कट गए। ठीक है तो अब ये भैया नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आया, आ जाएगा पैकेट भी आपका जो पैसा है वो आ जाएगा। आप नोटिफिकेशन के नेम के पीछे क्यों हो सर, मैं तो टीएल का डिलीवरी करवाता है। हां वो करवाते हो ना तो आपके मैनेजर से बात करो। सो गाइस कुछ दिनों पहले मैंने एक फोन ऑर्डर करा था फ्लिपकार्ट से, मैंने ऑनलाइन पेमेंट भी कर लिया था लेकिन फोन मुझे डिलीवर हुआ ही नहीं। अरे अरे रुको जरा, अभी तो मैंने आप लोगों को इस व्लॉग की कुछ क्लिप्स दिखाई है, सो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताता हूँ ये स्कैम मेरे साथ हुआ कैसे। सो मैं मेरे दोस्त के घर पे आया हुआ था घूमने के लिए, तभी डिलीवरी वाले भैया का मेरे पास कॉल आता है कि आपके घर पे पार्सल आया। तो मैं मेरे दोस्त के साथ फटाफट घर पे चला जाता हूँ पार्सल लेने के लिए। वैसे इस वक्त मैं काफी ज्यादा खुश था क्योंकि काफी सालों के बाद में मैंने एक नया फोन मंगाया था, लेकिन ये खुशी मेरी कुछ समय के लिए थी क्योंकि मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा स्कैम होने वाला था। फिर मैं घर पे पहुंचता हूँ और मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। पेमेंट भी ऑनलाइन हो चुका है लेकिन अभी तक भी मतलब प्रोडक्ट हमारे हाथ में नहीं आया, रिफंड भी नहीं आया अभी तक। डिलीवरी मैसेज, आप डिलीवरी मैसेज कर दो हमको बस, और ये मोबाइल दे दो आपको, तुम डिलीवरी का तो दो दो सर से बात करो, डिलीवरी का मैसेज मांग लेते हैं। सर एक बार इनसे बात कर लो, ये बोल रहे हैं मेरे पास मैसेज नहीं आया रिटर्न का, रिटर्न हो गया इसमें, रिटर्न का नहीं डिलीवरी का भी ले लो, डिलीवरी का चीज है। सर इनको बता दो एक बार, पहले डिलीवरी का तो आना चाहिए ना भाई, कैसे करते। हेलो हेलो, हाँ सर, सर मैं ये कह रहा हूँ आपके माई ऑर्डर में रिटर्न का अभी तक, अभी जब तक नहीं आएगा उसमें रिटर्न का ऑप्शन, तब तक बंदा भैया आप मेरी बात सुनो, आप अनपढ़ समझ रहे हो मुझको, गलती आपकी, ये चीज पहले मानो आप। आप जो बोल रहे हो ना इनको भैया को जाने दो, ये वहाँ पे आके करेंगे, नहीं मेरा प्रोसेस यही होता है क्योंकि हम भी तो ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट से। आप ऐसा करो, आपके जो हायर अथॉरिटी है ना, आप क्या करते, क्या काम क्या करते हो आप पहले ये बताओ, फ्लिपकार्ट में क्या काम करते हो आप, फ्लिपकार्ट में कौन सी पोस्ट पे हो। मैनेजर बात कर रहे हो ना आप, तो सबसे पहले तो आप जो ये चीज जो कर रहे हो ना, पहले आपका वहाँ का सिस्टम सुधारो, ठीक है। आपका जो सिस्टम है ना, तो मोबाइल से शीट क्लोज करवाओ, यहाँ पे डिलीवरी का मेरे पास ऑप्शन आएगा तभी भेजूंगा ना उसको। डिलीवर्ड का नहीं आया, डिलीवर्ड का मैसेज नहीं आया ना भैया, तो कर रहा ही नहीं ना, कर ही नहीं रहा ना, मना कर रहा है। तो पैसे तो काट लिया, बात सुनो, पैसे तो कट गए, डिलीवर का मैसेज भी नहीं आया, मैं कहाँ पे रहूँ। आपके पास कुछ चीज होगी, आप कोई बताने लायक होगे तभी तो आपके पास आएगा। अभी मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आया भाई आपके पैसा रिफंड हो जाएगा या फिर कुछ चीज आए तब तो मैं कुछ दिन को भेजो यार। ये जो नहीं नहीं देखो, फ्लिपकार्ट का पैकेट मंगाया तो फ्लिपकार्ट का पैकेट अगर आपने मंगाया वो आउट ऑफ रोड, अगर आपके मॉडल चेंज नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, बंदा डिलीवर कर देता, पर अगर मॉडल चेंज हुआ वो ऑटोमेटिक वो फेल हो रहा है चेक पॉइंट में, जो फेल कर रहा है तो फेल के, जब कोई चेक फेल होता है तो मोबाइल या कोई भी चीज हम दे नहीं सकते कस्टमर, ये चीज तो आप मानते हो ना। पर रही बात पैसे की, तो पैसा तो आपका तभी रिफंड आएगा जब अगर आपके अकाउंट से पैसे कट जाए और आपका अमाउंट बहुत ज्यादा हो तो आप लोग भी घबरा जाओगे। ये सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई, यहाँ पे मैनेजर ने मुझसे कहा कि डिलीवरी बॉय के पास जितने भी पार्सल है पहले वो सभी को डिलीवर करेगा, उसके बाद में जब वो ऑफिस आएगा शाम को तब वो शीट क्लोज करेगा, देन उसके बाद हम ऑर्डर रिजेक्शन का मेल डालेंगे। सीरियसली ये क्या बात होती है, अभी तक तो इसमें पे में भी वो हरा वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, पेड नहीं आ रहा, पेड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, वो चीज करो। अरे सर
कि डिलीवरी हो गई। प्रूफ कहाँ पर है यार मेरे पास? आपके पास तो ट्रैकिंग आईडी है, मेरे पास मैसेज नहीं आया अभी तक, ठीक है? डिलीवरी का मैसेज नहीं आया, इनने शीट क्लोज के लिए रिटर्न का मैसेज नहीं आया। सर मैं कह रहा हूँ डिलीवरी का मैसेज बंदा जब डिलीवर करेगा ना तभी आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। सेलर की गलती है मैं मान रहा हूँ, लेकिन एक हमारे पास प्रूफ तो हो, बगैर प्रूफ के कैसे भेज दूं यार मैं? यार मैंने कैश ऑन डिलीवरी मंगाया था वो फोन, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी फोन मंगा के मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। अब मेरे को लगा भाई डब्बा भैया ने खोलने नहीं दिया पहले कि भाई इसके अंदर होता है कि यार फ्लिपकार्ट वाले, चलो ठीक है पहले आप पेमेंट कर लो उसके बाद में करो। आउट फॉर डिलीवरी, अगर आप कह रहे हो कि आउट फॉर डिलीवरी का नहीं है तो वो तो मैं कह रहा हूँ कि कंपनी का कंसर्न है, यहाँ पे कंपनी ने गलती करी है। लेकिन अभी कंपनी को मैं कहूंगा तो कि भाई सेल पीरियड चल रहा है तो नहीं आ पाया होगा, टेक्निकल ग्लिच है, यही कंपनी मेरे को बोलेगी। लेकिन अगर आपके पास से पैसा नहीं आता है, जैसे बंदा मेरे पास में आ गया, सीट क्लोज कर दी, आपका दो तीन दिन हो गए पैसा नहीं आया, तो वहाँ पे फिर हम बैठा है, फिर वहाँ पे आपका रिजोल्यूशन करवाने की गारंटी मेरी है। प्रोसेस से आप चलोगे, चलो ठीक है मैंने आपकी बात मान ली। अब अभी मेरे पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, मेरे इसमें से पैसे कट गए, ठीक है? तो अब ये भैया नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आया, यार आप नहीं सो अभी के लिए आप लोग सिर्फ इमेजिन करो, उस वक्त ना मेरे पास कोई मेल था ना ही कोई मैसेज फ्लिपकार्ट की तरफ से, साथ ही साथ मेरे पैसे भी कट गए अकाउंट से, और वो जो सस्ता फोन रेडमी का वो भी मुझे डिलीवर नहीं कर रहे थे। सो उस टाइम मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं था। गाइस मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे भी मम्मी पापा ही पैसे देते हैं। सो अगर मैं डिलीवरी वाले भैया को भेज देता तो मैं मम्मी पापा को कैसे समझाता कि मेरे साथ ये हो चुका है? क्योंकि नॉर्मली पेरेंट्स को ज्यादा ऑनलाइन वाली चीज समझ में नहीं आती, और वैसे भी आप लोगों को तो पता ही है इंडिया में अभी ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं। वेल इसी वजह से मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, और आजकल न्यूज में बहुत सारी खबर आ रही थी कि फ्लिपकार्ट में डिलीवरी के टाइम लोगों को काउडंग और साबुन की गिट्टियां मिल रही थी। सो यहाँ पे मैंने ये सवाल उन भैया से पूछ लिया। अभी आप डिलीवरी करते हो, आपको पता तो होगा कि यार मतलब कैसे ऑर्डर वगैरह हो रहे हैं, कुछ पता है आपको कि हाँ ऐसे जैसे अभी हमारे साथ हुआ ये वाली चीज, किसी और के साथ भी हुई है क्या अभी तक? अभी तक तो नहीं हुई। काफी देर बात करने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैंने फोन डिलीवरी वाले भैया को दिया और उन्होंने ये कहा, सो गाइज इसकी आगे की वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में आएगी। सो अगर आप लोगों को जानना है कि आगे क्या होता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़े। और हाँ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या मैंने सही किया। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।